हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे और आपकी कैपिटल उससे भी अच्छी होगी। तो आज का शुरू करते हैं हम पैचअप या ब्रेकअप शो। तो अगर हम आज के दिन की मार्केट की बात करें तो अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई थी, जैसा कि लोग आप देख भी चुके होंगे कि 17405 की ओपनिंग हुई और 17450 का हाई लगा के फिर पूरा दिन नीचे की साइड चलती गई। अब देखो, हमारे लिए कल के लिए रजिस्टेंस था 17500, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर राइटिंग हो चुकी थी। तो वहाँ से थोड़ा नीचे से वापस को रिवर्स हुआ और 17200 पे मार्केट ने आज के दिन का लो बनाया और उससे हल्की सी ऊपर बंद हुई है। तो अगर हम आज के दिन क्या वैसे निफ्टी का चार्ट देखें तो आप शुरू के अगर हम आधा घंटा निकालें तो उसके बाद एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता रहता है। अगर हम 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट कैंडल स्टिक खोलो, वहाँ पर एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर हम कल के दिन का देखें मार्केट का क्या सिनेरियो रह सकता है, तो सबसे पहली बात, एक तो कल को है वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा कोशिश होना बनता है। लेकिन सबसे पहले तो जो मेजर रजिस्टेंस होगा वो तो हमारा होगा 17500। बट अगर मार्केट कभी भी 17300 को सस्टेन करती है ऊपर एक घंटे तक, तो फिर हमें ऊपर की साइड की मूवमेंट मिल सकती है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट हमें मिलेगी आज के दिन का लो, मतलब 17200, और उसके बाद जो हमारी मेजर सपोर्ट है वो है 70,000। देखो, अगर सीधी सी बात बताता हूँ, अगर बाय चांस कल मार्केट हमें 17,000 तक मिलती है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी, और 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। अगर बाय चांस वो टूटता है तो फिर देखना पड़ेगा कि कुछ कहीं और ही तो नहीं सिनेरियो चल रहा। बट जब तक 17,000 से मार्केट ऊपर है तब तक घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे ही मार्केट अब ट्रेंड में है तो कोई दिक्कत की तो बात है ही नहीं। और उसके बाद अगर हम आज के दिन FII और DII की बात करें तो सबसे पहले तो आज FII ने फिर से बाइंग करी, चाहे बाइंग ज़्यादा नहीं करी बट करी तो सही, तो उन्होंने बाइंग करी आज 480 क्रोस की। और उसी के साथ साथ DII ने फिर से अपना घर नीलाम कर दिया, 300 क्रोस की उन्होंने सेलिंग करी है। लेकिन नेट में फिगर कुछ खास बड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी के साथ चाहे आज मार्केट पूरा दिन नेगेटिव में गई हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें अच्छा मिला, और कुछ स्टॉक्स ने तो आज हमें 4-5% के टर्म्स भी दे दिए थे। हालांकि वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टिप नहीं होती हो, वो सिर्फ आप स्टडी कर सकते हो, और उस स्टॉक्स को स्टडी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। आप ओपन फ्री टेलीग्राम चैनल है, मार्केट लव फेस सर्च कीजिए और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।